हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयजा क्रिएशन। और आज हम एक वन ईयर बेबी गर्ल के लिए ट्यूलिप सलवार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सलवार बनने के बाद कितनी सुंदर लगती है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने हाफ मीटर फैब्रिक लिया है। आप चाहो तो कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, कॉटन, रियॉन, जो आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर कॉटन का फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैंने इसके दो पीस लिए हैं। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे 18 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 15 इंच ली है। यहाँ पर हम एक साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो इसका मेजरमेंट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो बन साइड है हम हमारी तरफ करेंगे इस तरह से, और एक उंगली को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इसे ट्रायंगल शेप में मोड़ेंगे। उसके बाद इस वाले कपड़े को भी हम पकड़कर उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। और आपको इस बात का ख्याल देना है कि इनके जो बीच में है वो हमें 1.5 इंच का गैप चाहिए। हम यहाँ पे एक ईयर की बेबी के लिए बना रहे हैं इसलिए 1.5 इंच का गैप लेंगे। अगर आप 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बना रहे हो तो आप 2 से 2.5 इंच का गैप लें यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो सलवार की लेंथ है वो विदाउट बेल्ट लेनी है। तो यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे विदाउट बेल्ट हम 14 इंच लेंगे सलवार की लेंथ। उसके बाद हम 5 इंच का इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें पूरे में इस तरह से 14 इंच पे एक निशान लगाना है पूरे गोलाई में। यहाँ पर आप देख सकते हो हम पूरी गोलाई में यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने ये बेल्ट लिया है, इसकी जो लेंथ है वो हमने 16 इंच ली है और इसकी जो विड्थ है वो हमने 5 इंच ली है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इलास्टिक के लिए इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये रेडी में हमारा 2 इंच आ जाएगा। तो अब हम क्रॉच के लिए मार्किंग करेंगे। तो क्रॉच के लिए हम 8 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। 2 इंच का हम बेल्ट में लेंगे और बाकी का 6 इंच इस कपड़े पे लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे जैसे कि हम क्रॉच के लिए देते हैं उसी तरह से। और अब इसे हम कट कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो सलवार की रेडी लेंथ हो जाएंगी वो हमारी 17 इंच हो जाएंगी। तो इसके बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे और ये यहाँ पर जो हमारा बंद वाला पार्ट है उसे भी हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरे में, और इस वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से फोल्ड कर इस तरह से पूरे में सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इनके जो क्रॉच है वो जॉइन करने हैं। तो क्रॉच के लिए एक पीस हम सीधा लेंगे और एक पीस उसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से बराबर से करते हुए। और यहाँ पर क्रॉच में फिर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है और इसके यहाँ पर नीचे के फैब्रिक में भी सिलाई लगाई है और क्रॉच भी जॉइन कर लिया है। अब हम हल्का से यहाँ पे कट लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। अब इसके बाद इसे इस तरह से पकड़कर हम इसे ओपन करेंगे। और इस वाले पार्ट को हम बराबर से इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से बराबर से हमें रखना है और इनके बीच में हमें 1.5 इंच का गैप रखना है जैसे हमने पहले रखा था। उसके बाद ये मैंने एक कॉटन वाली लेस ली है, आप चाहो तो कोई भी लेस ले सकते हो। और यहाँ पर हम ऊपर से इस तरह से इस लेस को अटैच करेंगे यहाँ तक कि हमें जो सलवार का बॉटम है
उसके लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि यहाँ तक हमें ये पार्ट खुला रखना है, तो यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच तक ये लेस को अटैच कर लेंगे। सेम हम इस वाले पार्ट में भी करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 4 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरह से। जिस तरह से यहाँ पर लेस लगाएंगे उसी तरह से इस वाले पार्ट में भी लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये लेस अटैच कर ली है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें 1.5 इंच का गैप भी रखना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर हम पिन लगाएंगे, और उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो हमें इस तरह से यहाँ पर हमने जितना पैर डालने के लिए छोड़ा था हम उतना छोड़ देंगे, और बाकी पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पिंच की मदद से बता रही हूँ कि हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैं ये आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इस बेल्ट को रेडी किया है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम ये बेल्ट भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से इस बेल्ट को लगा रही हूँ। आप भी सेम उसी तरह से लगाएं। और इसके बाद हम यहाँ पर पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने बेल्ट भी अटैच कर ली है, और इस लेस के ऊपर भी हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम जो इलास्टिक की लेंथ लेंगे वो हम 16 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा 1 इंच सिलाई में जाएगा, वो रेडी होने के बाद 15 इंच रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 16 इंच लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक सेफ्टी पिन की मदद से हमने जो थोड़ा पोर्शन खुला रखा था इलास्टिक के लिए, इस सेफ्टी पिन की मदद से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है, और इस पर हम एक सिलाई लगा देंगे फाइनल, और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी शलवार रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना